नमन आ रहे हैं। क्या आप अपनी कन्या की शादी को लेकर परेशान हैं? या आपकी लड़की की शादी होगी लेकिन उसका वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है? आपका खुद का पारिवारिक जीवन में उठापटक है? इन सारी समस्याओं की चर्चा करूंगा, लेकिन एक संदेश देना चाहता हूं, और संदेश यह है कि 6 नवंबर को शनि अमावस्या, देवादिदेव शनिदेव की अद्भुत शनि अमावस्या, करी शनि महाराज के दर्शन, करी शनि महाराज का पूजन, जीवन में संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। और बात याद रखिएगा, दीपावली और शनि अमावस्या का संयोग है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का निवारण कैसे हो, उससे पहले आज के पंचांग की चर्चा कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, विक्रम संवत 2067, कार्तिक मास की 5 प्रविष्टि, सन 1932 आश्विन 29 तदनुसार गुरुवार 21 अक्टूबर सन 2010 प्रातकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र चंद्रमा मीन राशि में। और आज का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना गया है, इस बात पर विशेष ध्यान दें। आज की यात्रा की बात करें, आज उत्तर दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। आज के दिन जीरा चबाते हुए यात्रा पे निकल जाए, यात्रा में कष्ट कम आएगा, न मना रहे। और बात करते हैं प्रातकालीन लगन की। प्रातकालीन लगन तुला लगन, लगन में सूर्य बुध और शुक्र, मंगल वृश्चिक राशि में, बृहस्पति मीन राशि में, शनि कन्या राशि में, राहु धन राशि में और केतु मिथुन राशि में। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। और ये भ्रमण कालीन ग्रह इन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, बात करूंगा आपके अपने राशिफल की। लेकिन उससे पहले आज वैवाहिक समस्याओं पर थोड़ी सी चर्चा करें। यदि आपके जीवन में वैवाहिक समस्या है या आपकी कन्या की शादी नहीं हो रही, बहुत अद्भुत उपाय है जो कभी खाली नहीं गया, गौरी शंकर रुद्राक्ष 3 दाने, 8 मुख की रुद्राक्ष 1 दाना, 9 मुखी रुद्राक्ष 1 दाना, लाल धागे में सोमवार मंगलवार या शनिवार के दिन अपने गले में धारण कर लो, बहुत अनुकूल और बहुत शुभ रहेगा। वैवाहिक समस्याओं के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष रामबाण है, अद्भुत है। इसके साथ साथ यदि आप नियमित रूप से कुछ दिन घर में चौमू का तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और आपकी वैवाहिक समस्याओं का निवारण हो जाएगा। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपकी कन्या की शादी नहीं हो रही है तो हर रोज मां भगवती के मंदिर में जाकर 108 हल्दी की गांठ एक हाथ में लीजिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम महागौरी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करके एक हल्दी की गांठ मां के श्री चरणों में अर्पित कर दें। ऐसे 108 हल्दी की गांठ मां भगवती के श्री चरणों में करें और लगातार 43 दिन करके दें। कैसे भी प्रॉब्लम होगी शादी संबंधी, उसका निवारण हो जाएगा। यदि वास्तव में संपूर्ण प्रयास शादी के व्यर्थ होते हैं, ऐसी अवस्था में एक पीला पपीता गुरुवार के दिन अपने सामने रख लीजिए, चामू का घी का दीपक जलाइए, अर्गला स्त्रोत के 7 पाठ और तत्पश्चात ये पत्ते पपीता अपने हाथ से छीलकर गाय को खिला दीजिए और ऐसा लगातार 40 दिन करके देखिएगा, वैवाहिक संपूर्ण परेशानी का निवारण होगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन एक बात याद दिलाना चाहता हूं पुनः कि आपके जीवन में दर्द है तो दवा है शनिदेव, आपके जीवन में समस्या है तो समाधान है शनिदेव। और 6 नवंबर दीपावली और शनि अमावस्या के संयोग अद्भुत। आइए श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं आज की राशि बलकर। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, सितारों की चाल थोड़ी सी प्रतिकूल नजर आ रही है। आज खर्चा बढ़ेगा, पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य प्रतिकूल रहेगा और जीवन साथी के साथ भी आज थोड़ी सी उठापटक की संभावना। मेष राशि वालों, सुबह से लेकर शाम तक गोचर न तो पारिवारिक ठीक नजर आ रहा, न कारोबारी नजर आ रहा, न स्वास्थ्य ठीक नजर आ रहा, तीनों आपके प्रतिकूल हैं। इसका मतलब आप डरे नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं कि गोचर ऐसा, इसका समाधान है छोटा सा घर में घी, छोटे सा घी का दीपक जला लीजिए श्रद्धा अनुसार और ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करिए, कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, समय अनुकूल। वृषभ राशि वालों, समय अनुकूल सितारों को हर कार्य में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में आपके अधिकार बने, आज शत्रु प्रास्त होगा, शुक और साधन बढ़ेगा, बाहुबल बढ़ेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, जिसके घर योगायोग व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे और यदि आप नौकरी में हैं तो बॉस आपसे खुश रहेगा और आज आपका मनो अनुकूल प्रमोशन हो सकता है।
शुभ समाचार और मित्रों और स्वजनों का सहयोग प्राप्त होगा। नमोनारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, जिस तरह के ग्रह योगायोगी अपनी समझ, अपनी सूझबूझ, अपनी कार्य करने की क्षमता से आप आवश्यक कार्य निपटा में सफल होंगे। कला और कौशल के क्षेत्र में प्रोत्साहन और सफलता प्राप्त करेंगे। आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा और शुभ कार्य की योजना सफल होगी। कर्क राशि वालों, यात्रा पे जाना चाहते हो, अनुकूल रहेगा नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, सितारे अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे। आज अपने वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। अनर्गल बयानबाजी और बड़ बोला अपन आपको नुकसान दे सकता है। कारोबार में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। शुभ कार्य की योजना विफल हो सकती है, धनहानि हो सकती है और अपनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। सुबह से लेकर शाम तक गोचर यही है सिंह राशि वालों, लेकिन डरा नहीं रहा हूं, थोड़ा सा संयम रखें। और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सूर्याय नमः, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करिए, कष्ट कम आएंगे। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा, धन लाभ होगा और हैं आप नौकरी में तो उन्नति के अवसर। आज घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, जिस तरह की घर योग होगी, कानूनी समस्याओं का निवारण होगा। मुकदमों में विजय होगी। शुभ कार्य संपन्न होगी। ज्ञान विज्ञान में रुचि रहेगी। राज ननियाल पल पक्ष से लाभ या कहीं न कहीं शुभ समाचार जरूर मिलेंगे। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, सितारे संकेत देने की आज थोड़ा सा बैलेंस रहना पड़ेगा क्योंकि मानसिक तनाव है। संतान संबंधी समस्या का समाधान होगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रहना होगा। कार्य व्यवसाय की स्थिति मध्यम रहेगी, लेकिन धन की चिंता, इसलिए सोच समझ कर खर्चा करें। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों, व्यर्थ के विवाद व झंझटों का सामना करना पड़ सकता है। धनहानि हो सकती है, कहीं से अशुभ समाचार मिल सकते हैं। भूमि वाहन के सौदे में आज हानि है और चोट लगने का भय। और धनराशि वालों, ये चोट दिल की भी हो सकती है और शारीरिक की भी हो सकती है, सावधान रहना बहुत जरूरी। नमन। छोटा सा उपाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम गुरुवे नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए, कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, प्रतिद्वंदी विरोधी हानि पहुंचाने का प्रयास करने के लिए तैयार बैठा सावधान। आज के दिन कोई विशेष कार्य योजना उसको स्थगित रखिए, ठीक नहीं। आज के दिन किया गया पूंजी निवेश नुकसान देगा। दाम्पत्य संबंधों में अनबन है और शारीरिक और मानसिक तनाव, और ये गोचर सुबह से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक है। मकर राशि वालों, थोड़ा सा सावधानी बरतें। छोटा सा उपाय, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए, कल्याण होगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, घूमने फिरने का अवसर मिलेगा, अपनों का साथ मिलेगा, लेकिन बहुत जरूरी मन की चंचलता है, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल भी रखना होगा। लापरवाही नुकसान दे सकती है, खर्चा बढ़ा सकती है, स्वास्थ्य प्रतिकूल कर सकती है। नमन। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, ग्रह और गोचर अनुकूल नजर आ रहे। आज नवीन कार्य योजना सफल होगी। कार्य व्यवसाय के स्थान में स्थिति में सुधार होगा। शुभ कार्य की योजना सफल होगी, धन लाभ होगा, अपनों का सहयोग और सुख की प्राप्ति होगी। नमो नारायण। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता हो, दवा काम नहीं कर रही, ऐसी मंगलवार को किसी सुनार से अर्ष धातु का कड़ा बनाकर बच्चे के नाप के अनुसार बनवा दे दे और उसे उस कड़े को शनिवार दिन सुनार से घर लेकर आई, गंगा जल से धोकर शुद्ध करे और उसका थोड़ा सा सिंदूर लगा दे, अपने कड़े को अपने सामने रख दे और श्रद्धा अनुसार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करके अपने बच्चे के दाहिने हाथ में पहना दे, परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं आज के नुस्खों की। यदि आपको स्किन की प्रॉब्लम है, चरम रोग है, हरड़ चरण रोग में रामबाण है, हरड़ का 1 महीने तक सेवन करने से कैसा भी चरम रोग होगा उसे छुटकारा मिल जाएगा। और हरड़ की चूर्ण की 5 ग्राम की मात्रा भोजन के 15 मिनट बाद हर रोज कुछ दिन लेने से कैसा भी स्किन संबंधी प्रॉब्लम है उसमें राहत महसूस होगी। यदि आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, उस पर नींबू का रस लगाना या नींबू को पानी में निचोड़ धोने से चर्म रोग में राहत मिलती है। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं और उपाय हैं, और ये सारे नुस्खे सारे उपाय www.sanidham.in पे मिल जाएगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, कल आज मैंने वैवाहिक समस्याओं की चर्चा की और कल मैं आपसे चर्चा करूं कि आपके घर की वास्तु कैसे हो, कैसे अपने घर की सजा और सजावट करें कि आपके घर का वातावरण आनंद और सुखमय रहे। कल चर्चा करूंगा वास्तु का, आज इतना ही। नमस्कार।